everyone, welcome to my channel. So today is going to be a very peaceful vlog because we are going to somewhere very peaceful, जो कि एक nursery है. और I love collecting plants, so I'm going to shoot this vlog while buying the plants and let's see how the day goes. Come on. ये मेरे साथ जाएगा छोटू सा आरव. आरव जल्दी sandals या shoes डालो जल्दी. बाहर है. ये हर्षी का shoes डाल रही है, ready हो रही है. रुक जाओ. बस अब तो हो गया shoot. हाँ. ये आरव भी रेडी हो रहा है, छोटू सा भाई मेरा छोटू से प्लांट्स लेने जा रहा है मेरे साथ, बेबी प्लांट्स. आरव आपको कैसे लगते हैं प्लांट्स? अच्छे. आपको शौक है उगाने का, लाने का? आपके घर में प्लांट्स है? हाँ. अच्छा, नाम पता है उनके? नेम्स ना? ना, ठीक है, कोई नहीं, अगली बार आओगे ना पता होने चाहिए. ओके, रेडी है? चलो कार निकालते हैं हम जाके नीचे, इतना हर्ष आ गया. हम निकल चुके हैं और हमारे साथ जा रही हैं मम्मा और साथ में हमारा छोटा सा आरव और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो है हर्षिका. तो नर्सरी जाने से पहले हम एक बार जा रहे हैं रेस्टोरेंट क्योंकि हमें दाल मखनी लेनी है. एक्चुअली इनके फादर आ रहे हैं, आरव और हर्षिका के हमारे फूफा जी, तो उनके लिए दाल मखनी लेने जा रहे हैं. ये है हमारे मबैन का छोटा सा रेस्टोरेंट. यहाँ पे हर चीज़ घी की बनती है ऐसा ये बोलते हैं. तो यहाँ से दाल मखनी मम्मा लेने जा रही है. जाऊँ मैं लेके आऊँ? ये हमारे एरिया का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है एवरग्रीन, जहाँ से हम लोगों ने दाल मखनी पैक कराई वहाँ हर चीज़ देसी घी की बनती है और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है. तो आज हमारे जो है नंदोई जी आ रहे हैं तो उनके लिए हमने ये लंच के लिए दाल मखनी पैक कराई है. बाकी सब्जी एक तो घर पे भी बनी हुई है. तो आज संडे है, संडे को लास्ट संडे है इसलिए दुकानें सारी बंद पड़ी हैं. आज सारा बबैन बंद पड़ा है. बबैन एक छोटा सा टाउन है कुशेत्रा डिस्ट्रिक्ट का. आप देख सकते हैं यहाँ पे है अच्छी बाजार, अच्छा है. वैसे पहले कुछ भी नहीं होता था लेकिन अब बहुत डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे और डेवलप हो जाएगा आई विश. और अब नर्सरी यहाँ से थोड़ा सा ही पास है, बिल्कुल टू मिनट्स का रास्ता है बिल्कुल. और हम अभी पहुँच जाएंगे इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नेहा नर्सरी के नाम से नर्सरी है. कोई बहुत बड़ी नर्सरी नहीं है लेकिन हाँ अच्छे प्लांट्स की वैरायटीज है इनके पास. तो आओ आपको दिखाते हैं. आज तो फूलों वाले प्लांट्स दे दो थोड़े. फूल ले आए हैं. मामू कह रहा था बड़े अच्छे भैया के पास प्लांट आए हैं फूलों वाले. गर्मी की वजह से ज्यादा लेके नहीं आया मेरे ना पाम, बल्कि बाहर सड़ गए, धूप में सड़ रहे हैं. फिर मैंने उठा के अंदर रखे. आप तो चलो बाहर रख गए, हमने देखो छावा भी कर रखा है इसके ऊपर, फिर भी खराब हो जाते हैं. ये देखा ना भैया, ये वाला पिंक पिंक भैया, ये कैसा लग रहा है आपको? कौन सा? ये वाला मुझे ये अच्छा लग रहा है. ये देखो अच्छी है ये, है ना? ऐसे ले लें. कलर तो मुझे, अब मेरे ना वो भी सड़ गए जो मैंने आपसे गमले के साथ नहीं लगाए थे. पर वो इतने सड़े हैं, मैंने दो रखे. हां गलती हमारी थी, वो गलती मेरी रह गई है. कोई ना पता था धूप में ही चलता है. हां किन में कुछ डिफरेंट आया? हां ये सुंदर है. और है इसके साथ कभी? बस ये फिर अलग कलर में है, वाइट कलर के भी हैं. ये ज्यादा सुंदर लग रहे खिले खिले, है ना? चलो एक तो ये ले लेते हैं. और हां बेटा ये हो गए, ये तो है, ये झड़ जाते हैं, ये झड़ जाते हैं. अच्छा हाँ ये सुंदर है. ऐसे पिंक भी आते होते हैं ना? हाँ पिंक में भी आता है. पड़े नहीं वो पिंक वाले? पिंक वाला नहीं है, एक ही बोतल रह रहा है बस. ये अच्छे है, ये वाला अच्छा है. ये भी डिफरेंट है वैसे. मम्मा बेल सी, ये पर्पल सी, ये इधर हाँ ये भी अलग सी है. फूल ना वाली पेड़ है? हाँ अलग है.
देखो यहाँ पे अंकल यहाँ पे खुद ही पॉट्स बनाते हैं, खुद ही पेंट करते हैं और बहुत रीजनेबल रेट्स में हमें पॉट देते हैं और बहुत रीजनेबल रेट में हमें प्लांट्स देते हैं। हर शेप का यहाँ पे देखो पॉट पड़ा हुआ है, ये खुद ही बनाया हुआ है इन्होंने। हम सारे प्लांट्स और सारे पॉट्स यहीं से लेते हैं। कैक्टस कौन लगा? ये कैक्टस को हाथ लगा दिखाओ। नहीं पक्का बीस वाला लगाओ। चुप तो रहे, ऐसे करो, ऐसे ऐसे नहीं चुप रहे, ऐसे तो चुप रहे, ऐसे चुप रहे। मैं देखूंगा। तो हेल्प कर दे। आर इंटरव्यू लेगा। पांच मिनट तो लगते होंगे। तो पांच मिनट से भी ज़्यादा लगते हैं। किसी भी काम में टाइम तो लगेगा भाई। टाइम बिना कोई काम नहीं होगा। मैंने उनको बोला कि थोड़ा जैसे बत्तख वगैरह कुछ और वगैरह मिल जाए ना, सुंदर बिल्कुल, तो वो मिल जाए तो मैं वो ट्राई करूंगा फिर। अगर मिल गया तो मैं No, I didn't see the signs, 'cause you kept hiding it. Something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. A million problems inside of me. I have no idea. Thank you, Arvi. मैं ऐसे फिरता हूँ। ये फूड है ना? कैसे मैं ऐसे? जो खराब लग रही है आपको? हाँ जी। जो खराब लग रही है? हाँ। इसको तोड़ के इसी में तोड़ देना। खाद आपको महीने में एक बार। ओके कंपोस्ट भी अंकल से ले जाएंगे है ना आपके पास? अच्छा है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू अंकल। प्लांट्स लेने के चक्कर में हम ये भूल गए कि हमारी दाल मखनी अंदर ठंडी हो गई। हां चलो चलो चलो। ओए मैं इधर जा रही हूं। इंडिया इंडिया।